दादा जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी जो टाइम हो रहा है 5:43 और सनराइज़ अभी यहाँ नहीं हुआ है बिकॉज़ वो इस साइड से होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पहाड़ हैं, तो प्रॉपरली सनराइज़ होने के लिए लगभग मतलब 8 बजे के आसपास होता है। तो जो मैंने सोचा था कि जो टेंटे के पानी से नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर से नहाऊंगा, पर आज तो अभी मैं ये जो टैप वाटर था इससे नहाया हूँ। कल मेरा मन है कि सुबह जाने से पहले जो है जो टेंटे का पानी आता है जो नेचुरल सोर्स रहते हैं उससे नहाएंगे। वो तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबली जब आएंगे वापस आएंगे तुंगनाथ से, उसके बाद देखते हैं। सी कितना क्यूट बैसा है। हाँ भाई, हाँ जी, ये तो गुस्सैल है, ऐसा कर रही है। ओहो, आप तो बिल्कुल ऋषि कपूर बन गए हो यार, इधर तो देखो। अच्छा, और क्या, देखो देखो, एक बात मैं ककड़ी रखता हूँ। अच्छा, मैं तो भूल गया हूँ ना कुछ कुछ। हाँ जी, हाँ जी, ये दाजी बाकी सब तो ठीक है, पर ये तो कत्ते ही किलो की है, इसको लेके क्या चढ़ना है? ये रास्ते में खाएंगे ना, ये भगवान के लिए ले जाएंगे, ये डंबल की तरह हो गई। ये खुशबू है गाँव की सुबह की और अब यहाँ से अपनी तुंगनाथ की यात्रा आरंभ होती है। और तुंगनाथ से पहले हम जाएंगे मक्कू मठ, जिसके बारे में मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। जेंटलमैन दादी, फिर आते हैं हम अभी। हाँ, कैसा लग रहा है दादाजी आपको? अच्छा लग रहा है, सुबह का समय बड़ा सही रहता है ना। Look at this. पहाड़ भी एक शक्ति देते हैं। अभी यहाँ से चौखंबा पीक दिखना शुरू हुई है और जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे वैसे वैसे उनके और पास चले जाएंगे। सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलती है दादाजी आपको? मुझे नाती नाती पोतों के साथ जब भी वो अगर उन्होंने बोल दिया कि अभी इतना रुपया दिए तो भेजना, उसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्यों क्यों चाहिए। दादाजी तो तुंगनाथ महादेव के दर्शन के बाद ही नाश्ता करेंगे, लेकिन अजीत और मेरे तो भूख से प्राण निकले जा रहे थे। और दादाजी बड़े ही कायदे वाले मुसाफिर हैं, इसी वजह से तुंगनाथ महादेव के दर्शन से पहले हम जा रहे हैं मक्कू मठ। मक्कू मठ मंदिर भगवान मार्कटेश्वर को समर्पित है, जो कि शिवजी के 11वें रुद्र हैं। इस गांव को मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली भी कहा जाता है और जो सबसे खास बात है वो वहीं पहुंच के आपको बताऊंगा। ये बूढ़ा होते हुए देख लिया होगा दादाजी को। अब जगी मोरा उत्तराखंड में आपको बहुत से ऐसे पौराणिक मंदिर मिलेंगे जहाँ पे आपको प्राकृतिक जल स्रोत मंदिर के पास में मिलेंगे और जिस क्षण आप उस जगह नंगे पांव लोटे में जल भरोगे तो आपके पैरों से सर तक एक तरंग दौड़ेगी और अगर आप सचेत मन से इसे करते हो तो उसी पल आप इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो।
मक्कू गांव के बिल्कुल बीच में स्थित है ये मक्कू मठवा मार्केटेश्वर मंदिर। और इस मंदिर को भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन गद्दी भी कहा जाता है, यानी के सर्दियों में दीपावली के बाद ज्यादा बर्फ पड़ने से तुंगनाथ की यात्रा करना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से हर साल शिव की मूर्ति को डोली में सजा करके सभी रीति रिवाजों के साथ तुंगनाथ से मक्कू मठ में स्थापित किया जाता है। और फिर उसी तरह अप्रैल या मई के महीने में तुंगनाथ महादेव के कपाट खुलते हैं, फिर वापस से मूर्ति को तुंगनाथ में स्थापित किया जाता है, और ये रोटेशन हर साल चलता है। अब मजे की बात यह है कि अगर आप किसी भी वजह से तुंगनाथ का ट्रैक नहीं कर सकते हो या आपको सर्दियों में यहाँ आने का वक्त मिलता है तो आप यहाँ मक्कू मठ में आके तसल्ली से तुंगनाथ जी के दर्शन कर सकते हो, और फिर मन हुआ तो तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक बर्फ में कर सकते हो। और हाँ, ये मंदिर बस 200 मीटर की दूरी पे है मेन रोड से। यहाँ पे आप पार्किंग भी कर सकते हो और रुकने के लिए यहाँ होटल्स भी हैं। अब एक बार मैं आपको अपना रूट मैप बताता हूँ जो हमने फॉलो किया भणज गांव से। आए हम कंसेली, भणज से कंसेली, कंसेली कंसेली से कुंजा, कुंजा कुंजा से कंडारा, कंडारा कंडारा से आगे जदई, जदई जदई से आगे परकंडी, परकंडी हाँ परकंडी के बाद मक्कू। अगर आपका प्लान बनता है तुंगनाथ के साथ साथ मक्कू मठ जाने का तो पूरा रूट मैप मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तुंगनाथ आने का रूट मैप मैंने एपिसोड 1 में आपको बताया था। अब बात करते हैं तुंगनाथ यात्रा के टाइम पे आप मक्कू मठ कैसे जा सकते हो। तो ऊखी मठ के बाद चोपता से कुछ 12 किलोमीटर पहले एक तिराहा पड़ता है जिसका नाम है बनिया कुंड। वहां से चोपता ना जाके आपको राइट लेना है और अंदाजन 20 से 25 किलोमीटर पे आप मक्कू मठ पहुंच जाओगे। रोड बहुत अच्छी है तो वापस से ड्राइव करके आप आराम से चोपता जा सकते हो। और फाइनली समय हो गया है नाश्ता करने का। आया अरे तेरे को पैक करके चलते हैं। भूख लग रही है भैया बहुत सॉलिड। दादाजी ने कहा कि खाएंगे तो वहीं खाएंगे। अच्छा। मैंने कहा चलो फिर। चोपता बस यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर पे है और इससे पहले भी हम आए थे, इससे पहले अपन आए थे 2017 में शायद 2017-18 में, तो उस वक्त तो यहाँ बस उसके साथ ही पीते हैं। उस टाइम पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अभी तो फिलहाल जितना सारा रोड है मतलब 8-10 किलोमीटर पहले से ही यहाँ पे इधर उधर होटल्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है। एनर्जी बिल्कुल डाउन है। एक बार नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं। हाँ तो मैं कह रहा था हम लोग आए थे 2016-17 का न्यू ईयर सेलिब्रेट करने और उस टाइम चोपता में बहुत गिने चुने होटल्स थे, बट अभी आपको बहुत सारी कैंप साइट्स मिल जाएंगी पूरे रास्ते भर में बिल्कुल रोड से लगी हुई। और यहीं से बैठे बैठे आप बर्फ से ढके हिमालय देख सकते हो। बस अब 4 से 5 किलोमीटर है यहाँ से और अब जाके थोड़ी जो है ताकत आई है। तो अब मजा आने वाला है। पूरा चोपता आपको चीड़ बुरांस और देवदार के पेड़ से ढका हुआ मिलेगा और बीच बीच में आपको छोटे छोटे बुग्याल मेडो पूरे रास्ते भर मिलेंगे। मतलब कैंपिंग लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए ये बहुत सही जगह है और विंटर्स में तो पूरा चोपता ही बर्फ से ढक जाता है। इन्हीं सब वजह से चोपता को उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ऐसा लग रहा आसमान में चला रहे हैं यार हम। इतनी हाइट पे है ये सी। ओए यार क्या है मतलब। और अब हम पहुंच चुके हैं चोपता के एंड पॉइंट पे जहां से तुंगनाथ का ट्रेक शुरू होता है। मन में बड़ा उत्साह था और साथ में सोच रहा था कि 5 साल में बहुत कुछ बदल गया। 31 दिसंबर 2016 को जब हम आए थे तो मुश्किल से यहाँ 2-4 गाड़ियाँ खड़ी थी, बट अभी 300 मीटर आगे जाके तो हमें पार्किंग मिली है। एनीवेज यहाँ से शुरू होता है सफ़र दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर का। आज मंडे है और मंडे को भी इतनी कमाल की भीड़ है।
जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और अब सबसे पहला काम था दादाजी के लिए एक घोड़ा करवाना। ऐसा नहीं कि दादाजी फिट नहीं है, एक्चुअली उन्हें थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम है जिस वजह से रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन दादाजी ने जिद पकड़ ली थी कि तुम दोनों भी घोड़े में जाओगे। फिर हमने बड़ी मुश्किल से समझाया उन्हें कि पहाड़ों के हम खुद ही घोड़े हैं। शाबाश। वो जो है एंट्रेंस गेट है और वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आपको घोड़े, खच्चर वगैरह कुछ भी चाहिए तो नीचे से आप कर सकते हो। शायद पर पर्सन 700 के अराउंड है वन साइड का। तो अगर आप चाहते हो तो आप यहीं से घोड़ा वगैरह सब कर सकते हो, पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है। और फिलहाल हम वेट कर रहे हैं दादाजी के घोड़े की। तो अपना थोड़ा लगेज हमने इसमें डाल दिया और अब दादाजी का बैग अजीत लेके जाएगा। जय भोलेनाथ। आराम आराम से ले जाओ, दो घोड़े पीछे से भी आ रहे हैं। कंफर्टेबल है। जय भोलेनाथ। जय बोल। मतलब ये तो लगा था अपने को कि भीड़ होगी, बट इतनी सॉलिड भीड़ होगी इसका कोई आइडिया नहीं था। तो हजारों में आए लोग दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे बढ़ रहे अपन। दादाजी घोड़े में निकल गए, उन्हीं को पकड़ेंगे वैसे। मेरा मानना है अगर आप सक्षम हैं तो पद यात्रा कीजिए। इस मिट्टी को, इस हवा को सुनिए, ठहरिए, थकिए, धीरे धीरे बढ़िए, लेकिन पैदल चलिए। इस मेहनत के बाद जब आप ऊपर पहुंचोगे तो यही धरती आपको स्वर्ग लगने लगेगी। ये पहले कुछ 300 मीटर के आसपास में एक टप्पा टाइप का मिलता है। सेल्फ कैंपिंग तो नहीं कर सकते, अब अलाउड नहीं है, बट बहुत पहले आप कर सकते थे। बट फिलहाल अगर आप चाहते हो तो रेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ये जो पूरा पर्वत है जिस पे हम ट्रैक कर रहे हैं, इसका नाम है चंद्रनाथ पर्वत। और इसी पर्वत पे लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पे सजे हैं तुंगनाथ महादेव। इस पर्वत की ऊंचाई है 4000 मीटर की और इसी के शिखर को कहा जाता है चंद्रशिला। फिलहाल कोहरे की वजह से चंद्रशिला नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट आगे जाके तुंगनाथ और चंद्रशिला आपको तसल्ली से दिखाऊंगा मेरी आंखों से। ये रास्ता बना हुआ है और बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन ये शॉर्टकट है और बहुत अच्छा शॉर्टकट है। वैसे किसी भी ट्रैक में आप शॉर्टकट मत लीजिएगा। हम लोग जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं क्योंकि दादाजी घोड़े में ऊपर गए हैं और वो आधे घंटे में ही पहुंच चुके होंगे और हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और हम लोग शूट करते हुए बढ़ रहे हैं तो शूट का टाइम हम शॉर्टकट से कॉम्पनसेट करेंगे। 3.5 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है तुंगनाथ का और वह 7 से 8 घुमावदार फेरों का खेल है और कुछ ही मिनटों में सीधा तुंगनाथ। किधर से भैया आप? मुंबई। जय भोलेनाथ। अपन भोलेनाथ उत्तराखंड से ही। अपन ऐसी छोटी छोटी टपरियां मिल जाएंगी आपको जहाँ पे चाय, नाश्ता, पानी वगैरह मिल जाएगा। वन मोर शॉर्टकट, शायद हाफ पे कर चुके हैं, अब इतना ही और है। कहने के लिए तो
वर्ल्ड में शिवा का हाईएस्ट टेम्पल है, मतलब हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे, नियर अबाउट 4000, बट सबसे ईजीएस्ट है। सिर्फ 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है और कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट ये आपका पहला ट्रैक हो सकता है और ब्यूटीफुल। इसके बाद जब अपन पहुंच जाएंगे फिर चंद्रशिला से व्यू देखेंगे, अगर अगर हमारी किस्मत सही रही, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ चढ़ते हैं वैसे वैसे धुंध चढ़ जाती है। देखो जब तक नीचे से ट्रैक कर रहे थे तब तक मस्त धूप लगी हुई थी, कैप वगैरह पहनना पड़ रहा था, शेड्स लेने पड़ रहे थे, बट अभी कंप्लीट धुंध। अरे आप आ गए? हाँ जी हाँ। कितना टाइम हो गया उनको? जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आधा घंटा हो गया उनको। अच्छा आधा घंटा हो गया। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेगी भक्त। जय भोले भाई। जय भोले। हो गए दर्शन? हाँ बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया मजा? एकदम मजा भाई, परमात्मा से मिलन आत्मा का। कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से। अच्छा गुड़गांव से। ये जो मोड़ है, ये जो रास्ता है, ये बहुत बार आपने तुंगनाथ की पिक्चर्स में देखा होगा। बड़ी फेमस है ये, जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको मंजिल का अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि ये बस आखिरी पड़ाव है और फिर सीधा तुंगनाथ महादेव। इससे पहले भी हम लोग यहाँ आए थे विंटर्स में, और बहुत भाग्यशाली थे हम। हम लोग जैसे ही ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचे स्नोफॉल शुरू हो गया था। पहली बार हमने स्नोफॉल देखा था, और बड़ा करिश्मा है प्रकृति का। आप जितनी बार यहाँ आओगे आपको अलग ढंग से सजी मिलेगी। जैसे इस बार ऊपर वाले ने हरी घास की चादर बिछाई है और चारों ओर बादल सजा रखे हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से आपने बहुत सी खाई देखी होंगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतनी खूबसूरत खाई आपको तुंगनाथ में ही मिलेगी। ये डरावनी के साथ साथ दिलचस्प भी है। अब कुछ झलकियाँ मैं आपको तुंगनाथ महादेव की दिखाता हूँ। तुंगनाथ का शाब्दिक अर्थ है तुंग मने चोटी और नाथ मने स्वामी, चोटियों के स्वामी, लॉर्ड ऑफ पीक्स। और ये बात आपको तब समझ आएगी जब हम इस पर्वत की चोटी यानी चंद्रशिला में खड़े होंगे। अब तुंगनाथ के इतिहास को एक बार देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये मंदिर हजारों साल पुराना है और ये बनाया गया था महाभारत के हीरो पांडवों द्वारा। पांडवों को ऋषि व्यास ने सलाह दी कि अपने चचेरे भाई कौरवों को मारने का पाप केवल तभी धुल सकता है जब वो भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें प्रसन्न करें। लेकिन भगवान शिव पांडवों के इस अपराध से खुश नहीं थे। पांडवों से छुपने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और उत्तराखंड के गुप्त काशी में शरण ले ली। फिर भी बैल रूपी भगवान शिव को पांडवों ने पहचान लिया। भगवान शिव उनकी भक्ति से खुश हुए और बैल रूपी शिव के अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पीठ केदारनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में। और इन 5 स्थान पर पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया, जिन्हें हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। और पंच केदार में तुंगनाथ 3रा केदार है। चलिए अब दादाजी बहुत समय से हमारी राह देख रहे होंगे। कोविड से पहले दादाजी यहाँ साल में 2-3 बार आते थे और इसी वजह से उनका यहाँ एक फिक्स होटल है जहाँ वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं आके पियेंगे। कितना टाइम ले लिया हमने? आप तो बहुत पहले आ गए होंगे। हम लोग शूट कर रहे थे ना, थोड़ा थक भी गए होंगे। ना थके तो ज्यादा नहीं, आसानी था, सरल ही था, बस अब पहुंचते हैं।
बिल्कुल पास में भी आपको टी स्टॉल्स वगैरह, प्रसाद वगैरह, मैगी वगैरह, चाय वगैरह सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल मंदिर के पास ही। बहुत सुविधा कर दी अब तो यार, किस्मत थोड़ी सी सही है और धुन खुल गई है। बैग नहीं तो मेरे पास दे दो। नहीं अभी तो मजबूत कंधे हैं आपके नातियों के यार। नंदी जी को भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है और इसी वजह से पौराणिक शिव मंदिरों के आगे आपको हमेशा ही नंदी जी की प्रतिमा मिलेगी। तो महादेव से मिलने से पहले आप नंदी जी को जरूर प्रणाम कीजिएगा। तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और भी बहुत से पौराणिक शिव मंदिरों की बनावट आपको मिलती जुलती लगेगी। ये सभी मूल तौर पर पत्थरों से बने हैं। तुंगनाथ के पास ही गणेश जी का मंदिर है और साथ ही पांचों पांडवों की प्रतिमा भी लगी हुई है जो कि पत्थर को ही आकार देके बनी है। ये किस चीज का मंदिर है बता जी? ये है वन देवता। जय वन देवता की। देवता की जय हो। दादाजी हमें समझा रहे थे कि जो हम जाने अनजाने में फूल वगैरह तोड़ते हैं उसकी माफी हम यहाँ वन देवता से मांग सकते हैं। ये वन देवता का मंदिर है। ये भूत नाजी है। वो हर मंदिर के साथ वन देवता धूप आने वाली है। वो जो रास्ता है वो है चंद्रशिला का रास्ता। वो थोड़ी सी चंद्रशिला पीक जो है दिखने लगी है वो रही। कुछ देर हम बैठे यहाँ पे, आते जाते यात्रियों का उत्साह देखा और अब चंद्रशिला की चढ़ाई चढ़ने से पहले दिन का भोजन करेंगे। सबसे हैंडसम आप ही लग रहे हो। हाँ चलो। ये बात डाल थोड़ा कड़ी पक रहा है यार। कड़ी और चावल। अब लोग वो क्वादे की रोटी, मंडवे की रोटी नहीं मांगते, मांगते हैं कम बनाते हैं। मतलब ये बंद हो गया, धूप आनी ही आनी है। क्यों? तो सीधा सा नियम है तो ये साफ कर। जाओ जाओ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोले भाई, नवीन भाई। हां भाई बहुत दिखे यार आपके व्लॉग। थैंक यू भाई, थैंक यू। बम बम भोले, हर हर महादेव। थैंक यू भाई, थैंक यू। अंकल जी गाने की चॉइस तो बड़ी जबरदस्त है आपकी। फूल लगा रहे थे रेडियो ना। अच्छा देहरादून का एफएम। हाँ हाँ हाँ। समाचार भी बोलता है। हाँ 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 हाँ। और गाने भी। गाने भी लगा रहे। अब वो कितने टाइम तक बोलेगा? 6 बजे तक। मैं कह रहा था कि अंकल के गाने की चॉइस तो खतरनाक है। बिल्कुल कह रहे हैं, रेडियो चल रहा है। सुबह धूप देखी, फिर धुंध, फिर बारिश
बस अब इस शाम का लुफ्त उठाने से पहले एक चाय चाहिए थी। दादाजी थोड़ा थक गए हैं तो वो आराम करेंगे और मैं और अजीत निकलेंगे चंद्रशिला के लिए। दिल थाम के बैठिएगा, आज की शाम आपको बादलों की प्रेम लीला दिखाएंगे। पर मजा आ रहा है। चीयर्स दादाजी। चीयर्स। गरम चाय के नाम। काली चाय। उससे जी जलता है। माय गॉड, पूरे बादल तैर रहे हैं। और ये अपना सूरज। जाली तो पूरी कवर होने वाली है। महादेव। महादेव, हर हर महादेव। वो है चंद्रशिला। थोड़ा सा रास्ता है, जिग जैग जिग। अभी मस्त एकदम सूरज चमक रहा था। ये जो धुंध है हल्की वाली, इसने सूरज को यहाँ पे कवर कर दिया, तो फिर से ठंडी हवा लगने लगी है। बट चंद्रशिला में चलते हैं और ऊपर, वहाँ तक अभी सूरज है, तो देखते हैं वहाँ से कैसा रहता है। ये है हिमालयन मोनाल, जो कि उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है, राज्य पक्षी, और नेपाल की नेशनल बर्ड, राष्ट्र पक्षी। वो है तुंगनाथ, और तुंगनाथ से चंद्रशिला हार्डली 1 किलोमीटर है। और अगर आप ऐसा नहीं, ऐसा शॉर्टकट लेना मत, बट ले लोगे तो शायद 1 किलोमीटर भी नहीं रहेगा। मजा आ गया। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। कुछ ही दूर शिखर से, और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में। How's the feeling, man? Three.
आज ऊपर वाला मेहरबान है और अब तुम उसका जादू देखोगे। थ्री सिक्सटी कहीं भी देखो। अभी इधर भी पूरे पर्वत हैं बट बादल ज़्यादा होने की वजह से हमें दिख नहीं रहा है। बादल भी क्या है, हल्के वाले बादल हैं, उड़ने वाले बादल। तो ये अपन पहुंच चुके हैं लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे। ये है चंद्रशिला पीक, और चंद्रशिला बेसिकली जानी जाती है बिकॉज राम जी ने जो है यहीं पे तपस्या की थी, तप किया था, एक तरीके से पश्चाताप किया था जो उन्होंने रावण का वध किया था, तो उसके बाद यहीं पे उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी। अगर आप बैठोगे तो यू विल फील कि यार हाँ, मतलब एक मेडिटेटिव स्टेट में आप जाओगे। और मैं इन सब चीज़ों को लेने में, इन बादलों को लेने में, नेचर को ग्रैस्प करने में इतना बिजी था कि मैं ये रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो अभी बस लास्ट की कुछ परसेंट बैटरी बची है हमारी सारी कैमराज में, इवन हमारे खुद के शरीर में भी। तो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता सकूँ। क्या बोलूं? आपको यकीन नहीं होगा, जिन लोगों ने अली वेदनी देखी है वो समझ पाएंगे। हम लोग बैठे बस खो ही रखे थे कि बादल छटने लगे, और बिल्कुल हमारे सामने त्रिशूल पर्वत और नंदा घुंटी सूर्य देव के सुनहरे रंग से चमकने लगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो ये पूरी कायनात मुझसे बात कर रही हो, मुझे सुन रही हो। समय का पहिया देखो कैसे घूमता है। अली की पीक से तड़प गए थे इन्हें देखने के लिए, और यहाँ मानो उन्होंने खुद हमें दर्शन दिए हों। चारों तरफ बादलों की प्रेम लीला चल रही है, और अब मैं निशब्द हूँ, बस जादू चल रहा है और नशा चढ़ रहा है। जाने की इच्छा तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, सुबह फिर जाएंगे। जय भोले, जय भोले, मिलते हैं कल सुबह। अपन बादलों से भी ऊपर है और सनसेट हो चुका है। बस हम नीचे पहुंचे ही थे कि आरती खत्म हुई। सर झुका के ऊपर वाले को धन्यवाद किया आज के दिन के लिए और इस जिंदगी के लिए। कितनी कितने उड़ा दिए दादाजी को, एक बार दिखाना। अरे सर 1 2 3 काम क्या होता है भाई? ऑल सेट दादाजी, चलो गुड नाइट। कल सुबह अपनी जिंदगी का सबसे हसीन सनराइज होगा। अपना सूरज और अपनी महबूबा दोनों चमकेंगे। ये भी अच्छा था कि आज सब कुछ नहीं दिखा। अब थोड़ी सी तड़प अगले एपिसोड के लिए। मिलते हैं आपसे कल की सुबह के साथ। जय भोलेनाथ।